वेलकम टू ज्ञान श्री एजुकेशनल ट्यूटोरियल पर। मैं पूनम भनवाला आज आपके सामने इंडिया जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत लेकर आई हूँ। भारतीय संविधान के स्रोत, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी, यूपीएससी, एचएसएससी, रेलवे आदि एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो कि एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज मैं आपको ऐसे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो आज देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान अधिनियम 1935। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान में देशी और विदेशी दोनों तरह के स्रोत दिए गए हैं। देशी स्रोत से मतलब है कि जैसे 1947 से पहले भारत पर क्या है, अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेज अधिनियम लेकर आए थे वही हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान में समाहित किए हैं। और विदेशी स्रोतों से हमारा मतलब है कि जो बाहर के देशों से हमारे संविधान में लाए गए हैं। तो आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत, ये विभिन्न देशों से बहुत सारे टॉपिक लिए गए हैं, इसलिए कई बार आलोचक क्या करते हैं कि कहते हैं कि भारत का संविधान जो है उधार लिया हुआ संविधान है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संविधान निर्माताओं ने एज इट इज दूसरे देशों से ये टॉपिक उठा के ऐसे कैसे हमारे संविधान में समाहित नहीं किए हैं, बल्कि इनको भारतीय पृष्ठभूमि को देखते हुए इनमें संशोधन करके और जो इनकी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना वो अपने संविधान में लेकर आए हैं। और ये भी नहीं है कि बहुत सारे स्रोत तो हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जैसे हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 तो हमारे भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद लिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। बस क्वेश्चन खाली ऐसे आता है कि भारतीय संविधान संशोधन से भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 का। फिर भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कैग, कैग का वर्णन कहाँ पे है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 1948 में कैग का वर्णन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि कैग कौन से अनुच्छेद में है, तो कैग कौन से अनुच्छेद में है, 148 अनुच्छेद में। और लोक सेवा आयोग भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, और न्यायपालिका की व्यवस्था भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। अब हम चलते हैं ब्रिटेन के पास। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि 1947 से पहले ब्रिटेन ने हमारे देश पर कई सालों तक शासन किया है। तो ब्रिटेन से जो हमने लिया वो संसदीय शासन व्यवस्था, तो ब्रिटेन का हमारी संसदीय व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो जो हमारी संसदीय व्यवस्था वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, मतलब जो संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं ना, वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से। ये जो संसदीय विशेषाधिकार है ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 105 में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि संसदीय विशेषाधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 105 में। और विधि का शासन, मतलब जो कानूनों का शासन है, वो भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का सिद्धांत हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन, इंग्लैंड से। और मंत्रिमंडल, जो मंत्री होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये मंत्रिमंडल जो व्यवस्था, वो हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। तो एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है, संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल। तो अब हम चलते हैं यूएसए के पास। स्टूडेंट, जैसे हमें पता है कि यूएसए की न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली है, तो हमने यूएसए से क्या लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, जैसे कि संसद कोई भी कानून बनाती है तो हमारी सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर विचार करती है कि ये संविधान के हित में है या नहीं। तो ये कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 137 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि न्यायिक पुनर्विलोकन
कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में। फिर हमने यूएसए से क्या लिया है? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान हमारे देश में सबसे ऊपर है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? आम जनता से संविधान को शक्ति मिलती है। तो हमारे देश में संविधान को ही सबसे सर्वोच्च माना गया है। और हमने ये विशेषता कहाँ से ली है? यूएसए के संविधान से। और नेक्स्ट चीज क्या लिया हमने? निर्वाचित राष्ट्रपति, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से। और महाभियोग, महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसके ऊपर क्या लगा जाता है? महाभियोग। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? 61 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि महाभियोग की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अब एक बार बच्चों रिवाइज करते हैं। यूएसए, यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि संविधान के अनुच्छेद 137 में दिया गया है। और दूसरी विशेषता क्या ली है? संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कि संविधान सबसे ऊपर है। तो ये हमने कहां से ली है? यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति, मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और महाभियोग, जो कि संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अब हम चलते हैं कनाडा के पास। जैसे आपको पता होगा मैप में कनाडा ठीक यूएसए के ऊपर है। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। जैसे कि हमारे देश में क्या सी व्यवस्था है? संघात्मक व्यवस्था। इसका मतलब है कि शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र, कुछ शक्तियां जो है केंद्र के पास है और कुछ शक्तियां राज्यों के पास है, तो उनका विभाजन किया गया है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कुछ ऐसी प्रमुख शक्तियां होती है जो सिर्फ केंद्र के पास होंगी। ये एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की, कि अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ किसके पास होंगी? केंद्र के पास। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, जैसे कि जो भी शक्तियां हैं मतलब वो कुछ शक्तियां केंद्र के पास है और कुछ राज्य के पास है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जो कुछ मैन पावर होती है ना वो केंद्र के पास ही रहेंगी। अब हम चलते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तो ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में जो 12 सदस्य है ना उनको राष्ट्रपति का मनोनयन करता है। तो हमने ये व्यवस्था कहां से ली है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से एक बार फिर रिवीजन करते हैं, क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है, तो ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। अब अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन, जो हम संविधान में संशोधन करते हैं ना, तो वो हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। और ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है? ये अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस में क्या है? क्रांति हुई थी और जिसका नारा था समानता स्वतंत्रता बंधुत्व। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि समानता स्वतंत्रता कहां से ली है, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो ये फ्रांस से लिया है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो इसको उस क्रांति से रिलेट करके कि हमने फ्रांस से क्या लिया है। और क्या लिया हमने फ्रांस से? गणतंत्र की व्यवस्था, जो हमारा देश क्या है? गणतंत्र देश है, तो ये गणतंत्र की व्यवस्था हमने कहां से ली है? फ्रांस से। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने समवर्ती सूची। जैसे कि हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये समवर्ती सूची की जो व्यवस्था हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब कोई भी देश लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं होता, उसके ऊपर क्या है विवाद हो जाता है, तब हमारे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और ये संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है।
संयुक्त अधिवेशन को बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 108 में। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। अब अगला हमारा जो देश है जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। आपात उपबंध क्या होता है कि जब आपातकाल लग जाता है ना देश में, तो उस समय कुछ मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। तो हमने ये व्यवस्था कहां से ली है? जर्मनी से ली है। तो इसको कैसे याद करोगे? अगर याद नहीं रहता तो जर्मनी से क्या करोगे? मनी जम गई, जब मनी जम जाती है तो क्या होता है? आपात लग जाता है, आपातकाल लग जाता है ना, तो जर्मनी से आपात उपबंध। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि आपात उपबंध कहां से लिया गया है, तो दिमाग में क्या लेके आना है? मनी जम गई, मनी जम गई से जर्मनी। तो जर्मनी से क्या लिया है? आपात उपबंध के समय जो मूल अधिकार है उनको समाप्त कर दिया जाता है। अब रूस, ये रूस सबसे बाद में मैंने इसलिए लिखा है, जो ये बाकी जो ये प्रावधान थे ना, ये मूल संविधान में थे, लेकिन रूस से हमने क्या है? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और ये कब लिए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और 1976 में हम क्या लेकर आए थे? मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिए थे? रूस से। तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए, और ये कब लिए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, और फिर किसी भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाते हो तो मेरा आपसे वादा है कि अगर किसी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।